हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो बात करेंगे कुछ कमेंट्स की। काफी कमेंट्स आ रहे थे, कुछ रिपीट्स कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, केवीएस एलडीसी स्किल टेस्ट कब तक कंडक्ट होगा। तो केवीएस का जो स्किल टेस्ट है वो जल्दी कंडक्ट होगा, ठीक है। इसके जो एडमिट कार्ड्स है वो आने वाले 20 से 25 दिन में आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, और उसके जस्ट एक वीक के बाद में आपका जो है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है अभी जितना भी समय मिल रहा है, तकरीबन एक महीने का समय आप मान के चलिए, ठीक है, एक महीने का समय आप मान के चलिए, और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है स्किल टेस्ट की, यानी सीपीटी की। सीपीटी की मैंने काफी वीडियोस अपलोड किया हूँ, मोर देन 35-40 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ सीपीटी के ऊपर। कंप्यूटर प्रोफेशनसी टेस्ट के ऊपर मैंने काफी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जो जो सिलेबस में दे रखा था, जैसा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस, इंटरनेट, जीमेल, ये सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सारे वीडियोस देखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है कि केवीएस एलडीसी स्किल टेस्ट कब तक होगा, तो तकरीबन एक महीना आप मान के चलिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि अप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है। अप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका अभी नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत की या कोई प्रॉब्लम की कोई बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अप्लीकेशन फॉर्म की आपको अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपके पास अप्लीकेशन फॉर्म होता है तो इट्स वेरी गुड थिंग, ठीक है, अच्छी बात है। बट नहीं होगा, अगर आपके पास में अप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा तब भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर इतना ही मैंडेटरी अगर अप्लीकेशन फॉर्म चाहिए रहेगा उनको, तो वो अप्लीकेशन फॉर्म रिजनरेट करने के लिए जो लिंक है वो अवेलेबल कर देंगे उनकी वेबसाइट पे। आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर और जो भी आपका पासवर्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ डाल के अप्लीकेशन फॉर्म आपको जनरेट कर लेना है, अगर इतना ही मैंडेटरी होगा तो, ठीक है। बट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उन लोग क्या करेंगे, अप्लीकेशन फॉर्म रिजनरेट करने के लिए एक लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पॉइंट नंबर 3, फाइनल सिलेक्शन की कितने चांसेस है। काफी लोगों को यहाँ पे जो है 83 point something 84 85 तक यहाँ पे उनको नंबर है, और यहाँ पे जो रिजल्ट लगा हुआ है यहाँ पे काफी लोगों को उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए बुलाया है, यानी 1:10 की रेशो में। तो यहाँ पे हो सकता है किसी किसी कैंडिडेट को 90-92 भी उनके मार्क्स आए हुए होंगे। तो जो कैंडिडेट्स 84-85 पे है तो ठीक है, कट ऑफ से उनको एक दो नंबर ही ज्यादा है, बट फिर भी उनके थोड़े थोड़े चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है उनकी स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी उनका उतना परफेक्ट नहीं होगा, तो आपके फिर भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अगर आप क्वालिफाई हो चुके हो तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस आपके बनते हैं, बशर्ते आपको टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट यानी सीपीटी में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, आपको आपका 100% देना है, आप नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, अभी वहां पे भी आपको अपना बेस्ट देना है, उसके बाद में आपको सोचना है कि फाइनल सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, यानी अभी आपको नहीं सोचना, अभी आपको सिर्फ स्किल टेस्ट के बारे में सोचना है, ठीक है। जो नेक्स्ट फेज है उसके बारे में आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन होगा क्या। तो ऑब्वियसली सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट आपका एक ही दिन होने वाला है, ठीक है, एक ही दिन होगा। सीपीटी होता है तकरीबन 45 मिनट्स का और टाइपिंग टेस्ट होता है आपका 10 मिनट्स का, 10 मिनट का, ठीक है। तो एक ही दिन कंडक्ट होगा ये, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा 10 मिनट का और सीपीटी टेस्ट आपका होगा 45 मिनट्स का। यहाँ पे और एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि टाइपिंग टेस्ट में अगर आपको पता नहीं है फॉर्म भरते वक्त, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको पता नहीं होगा कि आपने हिंदी टाइपिंग के लिए अप्लाई किए थे या इंग्लिश टाइपिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा, आपको जो है वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हो या हिंदी में, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिलने वाला है, जब भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो या हिंदी में, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपको सीपीटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो आपको गूगल प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर मेरे बनाए जितने भी एप्लीकेशन आप देखना चाहते हो, तो स्वप्निल मेश्राम मेरा नाम है, तो नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ गूगल प्ले स्टोर की, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और गूगल प्ले स्टोर में जाना है, मेरे बनाए हुए सारे एप्लीकेशन आपको दिख जाएंगे। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।